सुंदर प्रसंग चल रहा है। सिय शोभा बरनी प्रभु आपनी दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनु। देखो जहां समर्पण संयम और सदाचार एक साथ में हो, तो समर्पण संयम और सदाचार में इतनी ताकत है कि वह ब्रह्म को भी बलात् अपनी ओर देखने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो माँ जानकी जी के कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुनी, तो माँ जानकी जी का समर्पण, करधनी का संयम और नूपुर के सदाचार, इन सभी ने परमात्मा को बलात् अपनी ओर देखने के लिए बाध्य कर दिया। जब श्री रघुनाथ जी महाराज ने जानकी जी को देखा तो एक नजर से जानकी जी को देखते रहे और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के सामने सीता जी के रूप के प्रति अपने मन का आकर्षण व्यक्त किया। देखो कलयुग का कोई प्राकृत भाई भी अपने भाई के साथ इस प्रकार की वार्ता को, इस प्रकार की चर्चा को करते हुए सकुचाता है, तो राम ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि राम जानते हैं कि लक्ष्मण परम वैरागी है। यदि मैं सांसारिक व्यक्ति के सामने इस प्रकार से जानकी जी की सुंदरता का वर्णन करता हूँ या श्रृंगार रस का वर्णन करता हूँ तो उसके साथ उचित नहीं करता हूँ, उसका मन विचलित हो सकता है। लेकिन लक्ष्मण वैराग्य की मूर्ति है, त्याग की मूर्ति है। अच्छा, लक्ष्मण जी महाराज यहाँ पर बैठकर के रघुनाथ जी महाराज के द्वारा जो जानकी जी की सुंदरता का वर्णन किया गया है उसको केवल सुनते हैं, बोलते कुछ भी नहीं है। रघुनाथ जी महाराज कहते हैं, तात जनक तन या सोई, तात जनक तन या सो धनु सजग्य जेही कारण होई, धनु सजग्य जेही कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, पूजन गौरी सखी प्रकाशु फिरई फुलवाई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई। रघुनाथ जी महाराज लक्ष्मण से कहते हैं कि हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए यह धनुष यज्ञ हो रहा है। ये जो इनके साथ सखिया है ना, यह इन्हें गौरी पूजन के लिए लेके आई है। यह फुलवाड़ी में अपने रूप के लावण्य का प्रकाश करती हुई फिर रही है। इनकी शोभा कैसी है? तो रघुनाथ जी महाराज आगे कहते हैं, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु छो, सो सब कारण जान विधाता, सो सब कारण जान विधाता,
माता फर कही सुभग अंग सुनो भ्राता फर कही सुभद अंग सुनो भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता को देखकर देखो यहां के शब्दों पर जरा ध्यान देवे कि ये लौकिक सुंदरता नहीं है या इस लोक की सुंदरता नहीं है, यह अलौकिक सुंदरता है जो केवल और केवल उस परमात्मा की शक्ति की है, क्योंकि वही लक्ष्मी और नारायण राम और जानकी के स्वरूप में विद्यमान है। तो यहां नारायण ने उस लक्ष्मी को पहचान लिया है जिसकी अलौकिक सुंदरता देख करके स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन। रघुनाथ जी महाराज ने क्या कहा कि मेरा मन तो है कैसा, पवित्र मन है, और उनकी सुंदरता कैसी है, अलौकिक। तो पवित्र मन और अलौकिक सुंदरता के बीच में सहज ही आकर्षण हो सकता है। जिनकी अलौकिक सुंदरता को देख करके स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। अब यह क्या कारण है यह तो विधाता जानता है, लेकिन हे भाई सुनो, फर कही सुबद अंग सुनु भ्राता, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। अब रघुनाथ जी महाराज यहां अपना स्वभाव बता रहे हैं कि रघुवंशियों का स्वभाव कैसा है। रघुवंशी न कर सहज सुभाव, मनु कुपंथ पगुधर इन का मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी नहेरी, जिनके लहिन रिपुरन पीठी नहीं पावही पर दिय मनुडीठी, मंगन लहिन मंगन लहिन जिन के नाही, ते नर पर थोरे जग माही, जय सिया राम जय जय सिया राम। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है, जन्मजात स्वभाव है, क्या कि उनका मन कभी भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृति की कौन कहे स्वप्न की अवस्था में भी पराई स्त्री पर अपनी दृष्टि नहीं डाली, जिनके लहिन रिपुरन पीटी, रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते हैं, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं हैं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती है, और भिखारी जिनके यहाँ से खाली हाथ नहीं जा पाते हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। यह रघुनाथ जी महाराज रघुवंशियों के स्वभाव को बता रहे हैं लक्ष्मण को, और साथ में यह भी बता रहे हैं कि मेरा मन सहज ही जानकी जी की ओर आकृष्ट हो गया। इसका क्या कारण है वो तो विधाता जी। करत मत कही अनुज सन मन सिय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि करही मधुपईव पान। जय 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 जय। कितना सुंदर वर्णन किया है तुलसीदास जी महाराज ने। ऐसे श्री रघुनाथ जी महाराज अपने छोटे भाई से बात कर रहे हैं, लेकिन उनका मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। कितना सुंदर वर्णन किया है कि जानकी जी के मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद रस को रघुनाथ जी महाराज का मन भौरे की तरह पान कर रहा है। अब देखो यहां पर एक बड़ा विलक्षण सूत्र दिया है कि मन में व्यक्ति की दृष्टि की शुद्धता होना आवश्यक है। सुंदरता परमात्मा के द्वारा
बनाई गई है। किसी सुंदरता को देख करके आकृष्ट होना सहज स्वभाव है, लेकिन जब आप उस सुंदरता को देखते हैं तो साथ में उस सुंदरता को गढ़ने वाले, उस सुंदरता को बनाने वाले को स्मरण करो कि देखो जिसने इसे इतना सुंदर बनाया है वह मेरे परमपिता परमात्मा कितने सुंदर होंगे। तो ऐसा सोचने से आपकी दृष्टि पवित्र हो जाएगी, आपका मन पवित्र हो जाएगा, आपका मन कभी गलत नहीं जाएगा। जैसे भौरा उस सुंदर कमल के पुष्प के ऊपर बैठ करके उसके रस का पान करता है, लेकिन उसकी सुंदरता को कभी खराब नहीं करता। आप पुष्पों को तोल लेवे, जितना उनका वजन था, भंवर के रस पान करने के बाद भी उन पुष्पों का वजन उतना ही रहेगा। उसने उनमें से सार सार तो लिया लेकिन उसकी सुंदरता को खराब नहीं किया। अब आगे क्या कहते हैं, शीतवती चकित चहु दीदी सीता कह गई रब की सोर मनु चिंता जह बिलोक मृग सावक नैनी जनु तह बरिश कमल सित सैनी लता ओट तब सखिन लकाए श्यामल गौर किशोर सुहाए देखी रूप लोचन लल जाने हर से जनु निज निधि बही जाने। अब सीता जी चकित होकर के चारों ओर देख रही है और मन इस बात की चिंता कर रहा है कि वह राजकुमार कहाँ चले गए। जैसे बाल मृग नैनी मृग के छोने की सी आंख वाली सीता जी जहां तहां दृष्टि डाल रही। देखो यहाँ बाल मृग छोनी कहा, क्योंकि सीता जी की अवस्था इतनी ही है, 9 वर्ष की सीता जी हैं। वह बाल मृग नैनी सीता जी जहां जहां दृष्टि डालती है, वह मानो जहां दृष्टि पड़ती है मानो वहां श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। इतने में सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। देखो जो यहाँ पर अग्र सखी चल रही थी वह गुरु के रूप में इन्हें परमात्मा के दर्शन करा करके बीच में से हट जाती है। तो गुरु का काम शिष्य को परमात्मा से मिला देना, परमात्मा के दर्शन करवा के वहाँ से हट जाए, फिर परमात्मा के चिंतन में अपने आप लगे रहो, परमात्मा का चिंतन करते रहो। अब देखो यहाँ लक्ष्मण जी भी ऐसा सोच रहे हैं कि रघुनाथ जी महाराज तो जानकी जी पर मोहित हो गए हैं। अब जानकी जी रघुनाथ जी पर मोहित होगी तो आगे बात बनेगी। तो अब लक्ष्मण जी महाराज क्या करते, उन्हें उन पुष्पों की झाड़ियों के पास ले जाते हैं। वहीं पर एक मयूर नृत्य भी कर रहा होता है जिसका मोर का पंख गिर जाता है। लक्ष्मण जी महाराज ने सुंदर सा एक पुष्प लेकर के रघुनाथ जी महाराज के सिर पर लगाया और वह मोर का पंख भी मुकुट के पास सजा दिया। रघुनाथ जी महाराज कहते हैं, लक्ष्मण ये क्या कर रहे हो? तो महाराज अब आप कुछ बोलो मत, इतनी देर आपने बोला तो मैंने आपको सुना था, अब मैं जो कुछ कर रहा हूँ मुझे करने दो, आप तो आराम से बैठो, क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका पुजारी हूँ, मैं आपको श्रृंगार कर रहा हूँ, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, क्योंकि ठाकुर के दर्शन करने के लिए अभी लोग आएंगे। अब जानकी जी ने रघुनाथ जी महाराज के उस स्वरूप को देखा और अपने नेत्रों में धारण कर लिया। तो लता ओट तब सखिन लखाए श्याम ल गौर किशोर सुहाए। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया, उनके रूप को देखकर जानकी जी के नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुई मानो खोया हुआ खजाना पहचान लिया हो। हर से जनु निज
निधि पहचाने। वह इस प्रकार से प्रसन्न हुई मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। तके नयन रघुपति जबि देखे पलकिन हो परिहरी निमय जय अधिक सनेह देह भे भोरी सरदस जनु चित वज कोरी लोचन मगिरा मही उरियानी दीने पलक कपाट सयानी जब सिय सकीन प्रेम बस जानी कही न सकही कछु मन सच जानी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। लता भवन ते प्रगट बे तेहि अवसर दो भाई निक से जन जुग बिमल बिदु जलद पटल बिलगाई जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री रघुनाथ जी महाराज की छवि को देख करके नेत्र निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया, अधिक स्नेह के कारण शरीर विवल हो गया, बेकाबू हो गया। देखो पलकों ने गिरना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि पलकों का जो ध्येय है, पलकों का जो लक्ष्य है वह यह है कि वह अपने परम प्रियतम परमात्मा का दृश्य कर ले, उनको देख ले। जब इन नेत्रों को अपने प्रियतम परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं तो इन पलकों को विराम मिल जाता है। जानकी जी ने रघुनाथ जी महाराज की उस पावन छवि को देखा तो इनकी पलकें स्थिर हो गई। और दूसरा कारण जैसा कि कल बताया था कि निमि महाराज जो होते हैं वह उनका स्थान इन पलकों में होता है, उन्हीं के कारण से इन पलकों का झपक ना होता है। तो उन्होंने संकोचवश अपना स्थान छोड़ दिया कि नहीं, मेरे जामाता और मेरी कन्या आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं तो मेरा यहाँ क्या काम है। ऐसा लग रहा था मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध होकर के निहार रही है, देख रही है। अब जानकी जी ने क्या किया, अपने लोचन मग रामही उर आनी अपने नेत्रों के रास्ते से श्री रघुनाथ जी को हृदय में ला करके चतुर शिरोमणि जानकी जी ने अपने पलकों के किवाड़ बंद कर दिए। हा हा हा, कितना पावन दृश्य है। नेत्रों के द्वारा परमात्मा को अपने मस्तिष्क से होते हुए हृदय में ला करके बंद कर दिया और नेत्र मूंद करके उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वशीभूत जाना तब मन में सकुचा गया और कुछ कह न सकी। जानकी जी ने रघुनाथ जी महाराज के उस स्वरूप को देखा और अपने हृदय में बंद कर लिया। सारी सखियां मन में सकुचा रही हैं, कुछ कह नहीं पाती है। उसी समय में अब लक्ष्मण जी महाराज यहां कहते हैं कि देखो माता जी ने कृपा तो बड़ी की, रघुनाथ जी महाराज का दर्शन किया लेकिन हमारी और कृपा की दृष्टि नहीं डाली। मन ही मन प्रार्थना करते हैं, माता जी आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर भी मिल जाती तो मेरा भी सौभाग्य होता। लेकिन जानकी जी नेत्र क्यों नहीं खोलती है, उनके मन में ऐसा है कि मैंने जिन दोनों राजकुमारों को अभी यहाँ पर पुष्प चुनते हुए देखा था और आंखें बंद कर ली, उनका वह स्वरूप मेरे नेत्रों के द्वारा मेरे हृदय में बंद है। अब मैं आंखें खोलती हूँ, क्या पता वो यहाँ से अपना स्थान छोड़ करके आगे चले गए हो, मुझे उनका वापस दर्शन नहीं हो तो मेरा मन कितना अकुलाएगा।
ऐसी प्यारी भावना के कारण ही जानकी जी अपनी आंखें नहीं खोलती है। लेकिन इधर से लक्ष्मण जी महाराज का आग्रह भी है कि माता जी मेरे ऊपर आपकी कृपा दृष्टि मिल जाए तो मेरी सेवा सार्थक हो जाएगी। तो जानकी जी ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, पलकें बंद कर रखी हैं। सखियों ने उन्हें प्रेमवश जाना और मन में कुछ कह नहीं सकती है, सकुचा जाती है। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से ऐसे प्रकट हुए मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटा करके निकले हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमा